दोस्तों मैं अभी चौपारण में हूं और आपको बता देता हूं कि जयराम माथो, टाइगर जयराम माथो का अब हर एक बच्चा, हर एक लोग, हर एक शख्सियत पहचानते हैं। आज मैं कुछ राज की बात आप सबों के बीच रखने जा रहा हूं। आपको बता देना चाहता हूं कि टाइगर जयराम माथो जो अपने टी शर्ट पे वो दो लड़के का, वो दो नौ युवक के लड़के का जो फोटो रखते हैं, वो आखिर कौन है, आखिर क्यों रखते हैं, और टाइगर जयराम माथो हरदम वो टी शर्ट क्यों पहनते हैं, ये सारी बातें आज एक्सक्लूसिव मैं आप सभी के सामने रखूंगा। कुछ टाइगर जयराम माथो जी के सपोर्टर हैं यहाँ पे, जो उनसे रूबरू हैं, सबसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं और वो हरदम वो टी शर्ट में क्यों रहते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नारायण माथो है, जुमरापार से। मैं जानना चाहूंगा कि टाइगर जयराम माथो अपने टी शर्ट पे जो वो दो लड़के का जो फोटो लगाए रहते वो कौन थे, वो पहले हमें बताएं। वो दोनों हमारे जयराम दा का फुटबॉल से लेकर के खेल तक से लेकर उसका जो मैच वे को चलती है तो चाची मान टाण में, वहाँ से सक्रिय रूप से हमेशा निभाए हैं। आज हम उसे 3 साल से उसका मैच को हम लगातार देखे हैं और हमेशा विकास दाव जो है आज उसका टी शर्ट में, वो हमेशा उसका एक कोषाध्यक्ष का भूमिका निभाए हैं और सक्रिय रूप से रहे। और वो विकास दा जो है उसका कहना मतलब है कि जयराम दा का हमेशा एक मतलब छोटा सा अनुज या भाई के रूप में हमेशा सपोर्ट किए हैं, चाहे वो छोटा आंदोलन हो या बड़ा आंदोलन में, वो बैक सपोर्ट हमेशा रहा है। भले वो मंच में कभी साझा नहीं किए जयराम दा के साथ, लेकिन हमेशा बैक सपोर्ट रहे हैं। एक चीज हम जानना चाहेंगे, वो जो फोटो है दोनों का नाम एक बार बताएं। ये उसका एक का विकास है जो उसका अपना खास करके सपोर्टर थे, और उनके साथ जो एक वो प्रकाश है जो एक साथ दोनों कहीं से मतलब धनबाद से आ रहे थे रोड में, और अपना गाँव घुसने के दरमियान उसके साथ दुर्घटना घट गई थी, उसे वो अपना जान गंवा बैठे। तो जयराम जी के दिल में ऐसे बस गए, क्यों ऐसे बस गए कि वो हरदम उनको अपने टी शर्ट में लेके चलते हैं? क्योंकि एक छोटा अनुज था, हमेशा एक लक्ष्मण के जैसा उसको हमेशा सम्मान दिए हैं और हमेशा उसके काम में हमेशा एक लक्ष्मण का भूमिका निभाए थे विकास भाई। कभी ना कभी वो अभी भी उनको याद करते हैं? वो हमेशा याद करते हैं, जब भी बेचैन होते हैं तो उसकी जहाँ पर दिया गया है उसका जो आज जो हम लोग का अंतिम संस्कार होती है, हमेशा उससे जाते हैं और प्रेरणा लेते हैं, और उसे दोस्ती का जो ताकत बनती है वो ताकत हमेशा आज भी जयराम दा शमशान घाट जाकर से सीखते हैं। आप तो जयराम माथो जी से मिले होंगे, बात किए होंगे, क्या कहते हैं वो उन दोनों के बारे में, कैसे भावुक हो जाते हैं, कहते कहते वो इसलिए कहते हैं कि आज वो आंदोलन में जिस तरह से सहयोग किए हैं, आज वो शायद नहीं रहे तो उसको कहीं ना कहीं कमी खिल रहा है, आज उन लोग रहता और उसको कहीं ना कहीं उसका प्रोत्साहन और मिलता। तो कहीं ना कहीं मैंने आप सभी को बताया, इन लोगों के थ्रू जानकारी दिया कि वो दोनों टी शर्ट में जो रहते हैं जयराम माथो के, वो उनके जिगरी दोस्त हैं, और अब भी वो जब भी कभी बेचैन होते हैं, कोई चीज जानना होता है, कुछ समझना होता है, तो उनकी समाधि के पास जाते हैं, उनसे वो वार्तालाप करते हैं, उनके मरने के बाद भी उनके आत्मा से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, सीखते हैं, और उनको अपने दिल में बसाए हुए हैं। तब भी वो अब भी उनके साथ चलते हैं, जब भी वो बड़े बड़े सभा में जाते हैं तो आप साफ तौर से देखते होंगे कि जयराम दा के टी शर्ट पे वो दोनों युवक का हर समय फोटो रहना उनके दिल में बसने का साफ संकेत देता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए मैं आप सभी को साथ